चेतन अवस्था में पड़े ये कौन है और तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार पूर्वक कहो। संसारी के सामने कोई दुख निवेदन करता है तो संसारी कहता शॉर्ट में बोल, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी कर लिया। पर एक साधु है, जब कोई दुखिया जाता है, सुखिया जाएगा तो साधु कहेगा लो प्रसाद, लो जाओ भजन करो। पर जब कोई दुखिया जाता है तो महात्मा कहता बैठ बता। दुख में साधु सुनता है। नारद जी कहते बद देवी सविस्तार, विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि जब डॉक्टर पूरा सुनेगा कब से हुई, कैसे लक्षण है, क्या है, उसके बाद उपचार करेगा। और जिस डॉक्टर के पास गए, खड़े हो गए, पर्चा आधा पर्चा भर दिया, फिर पूछता क्या हो गया तुमको बताओ, इसका मतलब वो डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करना चाहता। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यघन विषय नारद जी कहते बददेवी सविस्तारम, विस्तार पूर्वक कहो। तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। नाथ उत्पन्ने द्रविणस्याहम वृद्धिम कर्णाटके क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जूर्णताम जता। मेरा जन्म भी बहुत अच्छी जगह हुआ, मेरा लालन पालन भी बहुत अच्छी जगह हुआ, पर गुजरात में जो है मैं जीर्ण हो गई, क्योंकि जहां पाखंड होता है वहां भक्ति नहीं होती। गुजरात में उस समय, इस समय की बात नहीं है, उस समय गुजरात की भूमि बंजर थी, पर इस समय गुजरात उपजाऊ है। ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? तो भक्तमाल में प्रियादास जी कह रहे हैं, नाभा गोस्वामी कह रहे हैं, जब नरसिंह मेहता का गुजरात की पावन धरा में जन्म हुआ तो नरसिंह ने ज्ञान वैराग्य रूपी बैल को लेकर के और महाराज भक्ति रूपी जो हल चलाया, उस पूरी भूमि को उपजाऊ कर दिया। धन नरसी गुज्जर जिन पावन कियो, नाथ वहां से चल करके जब मैं वृंदावन आई, यहां बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। मैं तो युवान हो गई, पर यहां समस्या ये हो गई कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए। बूढ़े ही तो छोड़ो, अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग मेरे बेटे हैं, ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं, परंतु फिर भी मेरा दुख नहीं जा रहा। कारण, क्योंकि संसार में यदि देखा जाए तो संतान ही दुख और सुख का कारण है। साधु समाज में वैराग में शिष्य ही दुख सुख का कारण है। शिष्य यदि लायक होता है तो सदगुरु का हृदय आयु बढ़ जाती है, और यदि नालायक हुआ तो उनकी आयु छीन हो जाती है। उनके मन में चिंता व्याप्ती है, इतना बड़ा साम्राज्य मैं किसके हाथ में सुपुर्द करूं। जहां से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का जहां से उपदेश होता है, समाज को शिक्षा मिलती है, आज के बाद कौन शिक्षा देगा? सदगुरु चिंतित हो जाता है। सदशिष्य को पाकर सदगुरु का हृदय फूल जाता है। ऐसे ही संसार में सदपुत्र को प्राप्त करके मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, और यदि कुपुत्र को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आयु छीन हो जाती है। अजात मृत मूर्खाणाम ना अंतमस्तु पदे पदे, जिसके नहीं है कम दुखी है, जिसके हो के मर गया वो भी कम दुखी है, थोड़ी देर याद करेगा।
पर जिसके होने के बाद मूर्ख है, अज्ञानी है, नालायक है, वो पग पग में कष्टदायक होता है। बाबा कृपा करो। और नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख के निवारण के लिए नाना प्रकार से उपाय किए, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ बार बार किया। मूर्छा तो जागृत हुई पर करवट बदल के फिर सो गए। अब समस्या खड़ी हो गई, तब नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारे दुख का निवारण नहीं किया तो महर्षि का दास कैसा, अपने भक्ति की आन लगा दी और उसी चिंता में चल पड़े। आकाशवाणी हुई, सत्कर्मो सत्कर्मो सत्कर्मो, नारद तुम्हारे इस दुख का जो चिंता का निवारण है वो सत्कर्म के द्वारा होगा। पर नारद जी को उस समय समझ में नहीं आया सत्कर्म का मतलब क्या होता है। संतों के पास जाते, पूछते, कुछ तो शांत रहते कि जब नारद जैसे को पता नहीं तो हमको। और वही जिज्ञासा लेकर के नारद जी ने कहा, नाथ मैं आपके पास में आ गया, मेरी चिंता का कारण यही है। सनकादिकों से कहा, सनकादिकों ने कहा, अरे नारद तुम्हें सत्कर्म का मतलब नहीं पता। अरे बाबा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान कर्म ज्ञान यज्ञ अस्मतो बुधई श्रीमद भागवता लाप नहीं अलाप श्रीमद भागवतालाप सतु गीता सुकाद भी। यहां भी सुखदेव का नाम लिया कि सुखदेव जी के द्वारा जो गाई हुई श्रीमद भागवत है वही तो ज्ञान यज्ञ है, वही तो सत्कर्म है। कहां भटक रहे हो। और वहीं पर हरिद्वार पे गंगा द्वार समीपे तू तटमानंददायक आनंद वन में श्रीमद भागवत का आयोजन हुआ। यहां गंगा द्वार कह करके सबके लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। यदि हरिद्वार कहते तो हरि नारायण, क्योंकि बद्रीनाथ जाने का रास्ता वही है हरिद्वार, तो वैष्णो कहते कि यह हमारा है, इस संप्रदाय में पट जाता। यदि हरिद्वार कह देते तो हर महादेव के जाने का रास्ता केदारनाथ का भी वही है, हरिद्वार भी कहे। लोग बोलते हैं प्रवंश में हरिद्वार 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 हरिद्वार, कहां गए थे, बोले हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार भी सत्य है क्योंकि केदारनाथ जाने का रास्ता भी वही है। यदि हरिद्वार कहते तो भी झगड़ा होता। इसलिए यहां पर बड़ी अद्भुत बात सनकादिकों ने कही, गंगा द्वार समीपे तू, गंगा और गंगा सैव को वैष्णव को सभी को प्यारी है, गंगा सबके लिए पतित पावनी है। भगवान श्री नारायण के चरण से निकलती है और महादेव के जटाओं में वास करती है, क्या समन्वय है। गंगा ने समाज को बांधा है और जो समाज को बांधता है उसी का नाम भक्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत महिमा तीर्थराज प्रयाग की, जब संत रूपी तीर्थराज प्रयाग की वर्णन करते हैं उसमें बड़ी अद्भुत बात कही, राम भक्ति जहां सुर सरिधा, राम भक्ति जहां सुर सरिधा, सुर शरीर धारा। भक्ति का काम है जोड़ना, ज्ञान बेटा है, वैराग बेटा है, ज्ञान और वैराग
को एक साथ जो बैठा देती है उसका नाम भक्ति है। भक्ति चाशनी है, ज्ञान सूखी जलेबी की तरह है। कड़ाई से निकाल के रख दो, चाशनी में जब तक डुबो ही नहीं जाएगी तब तक उसका स्वाद नहीं होगा। भक्ति चाशनी है मेरी, और गंगा द्वार पर कथा का आयोजन हुआ। यहां पर कई विद्वान कहते हैं, बोले गंगा द्वार समीपे आनंद वन तो है, पर गंगा द्वार के समीप हरिद्वार के समीप यहां कई अर्थ करते हैं शुक्रताल। बोले इसका आयोजन सर्वप्रथम शुक्रताल में हुआ, इसलिए वहां पर बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा वहां जमघट लगा हुआ था, तभी तो परिचित जी दिल्ली से चल के वहां पहुंचे। यदि वहां शुक्रताल में महात्मा नहीं होते, वहां तप नहीं हुआ होता, तो वहां क्यों जाते, सीधे हरिद्वार ही जाते। जैसे कथा यहां हो रही है तो आसपास के लोग कहां जाएंगे, यहीं तो जाएंगे, पहले यहीं आएंगे। और आनंद वन में महाराज, क्योंकि जहां पर कथा होती है वही आनंद वन है। और महाराज हम लोग तो, मैं पुनः बार बार कहता हूं, हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आनंद अखाड़े में बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। आनंद वन, आनंद अखाड़ा और कथा का आनंद। तो महाराज आयोजन हुआ किसके लिए, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए। कहां है वृंदावन में, हरिद्वार और वृंदावन की कितनी दूरी है, 450 किलोमीटर के लगभग होगा। और क्या अलौकिक अध्यात्म में पावर है, क्या अलौकिक पावर है, अनुष्ठान हरिद्वार में हो रहा है और उसका प्रभाव वृंदावन में हो रहा है। विज्ञान 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 बहस करते हैं व्यर्थ में, अज्ञानता में। हमारे महर्षियों ने जो विज्ञान दिया है समाज को, जो संतों ने विज्ञान समाज को दिया है, आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसा कोई एक्जेक्शन नहीं बना कि हैदराबाद में डॉक्टर हो और यहां प्रयागराज में कोई बीमार हो, हैदराबाद से इंजेक्शन लगा दे, वहां से यहां बीमारी ठीक हो जाए, है कोई साधन। संतों के पास ऐसा साधन है, अध्यात्म का यह बल है। जो साधु यहां माला जप रहा था, फोन आ गया, गुरुजी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। माला जपते जपते बोल भर दिया, साधन भी नहीं किया, बोल दिया ठीक हो जाएगा, वहां रिपोर्ट नॉर्मल आने लगती है। कथा पूरी होने को आ रही थी, ज्ञान वैराग पुष्ट होकर के कथा पंडाल में पहुंच गए और वहां पर भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। सनकादिकों ने देखा, ऋषियों ने, कि अरे ये कथा पंडाल में युवती नृत्य क्यों कर रही है, कौन है ये। ध्यान से देखा, ओ साक्षात भक्ति, कथा में भक्ति नृत्य करती है, कथा में कोई सामान्य नृत्य नहीं करता। और नृत्य तो तभी हो सकता है जब गायन हो और वादन हो, संगीत की तीनों विधाएं हैं, गायन वादन नृत्य। इसका मतलब कथा गाई जा रही थी, कथा सुखदेव ने गाई है, कथा संगीत में है, क्योंकि भक्ति में संगीत की अद्भुत महिमा है। ये संगीत नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म और कथा शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म ही वर्तते। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिल जाते हैं तब परब्रह्म प्रकट हो जाता है।
रस खान निगा गा के प्रभु को रिझाया था। मीरा ने गा करके हरि का दर्श पाया था। हमने भी यही सोचा, हमने भी यही सोचा, कहता हूँ जमाने से। हमने भी यही सोचा, कहता हूँ जमाने से। मुझे गाने का शौक नहीं, गाता हूँ प्रभु को। गावत ब्रह्मा दिगमुनि नारद, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत संतत शंभु भवानी। तो भागवत भी गाई गई, पर वो भागवत के जो संगीतक हैं कोई सामान्य नहीं है। कौन है? प्रहलाद स्तालधारी, तरलगतया चोधवा कांसधारी, पीलाधारी सुररसी देवर्षि नारद। प्रहलाद स्तालधारी, तरलगतया चोधवा कांसधारी, पीलाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो बादी मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। मुझे गाने का शौक नहीं, हरि का दर्श पाया था। रस खान निगा गा के हरि का दर्श पाया था। मीरा ने गा करके गिरधर को रिझाया था।
महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं, सनकादिक ऋषियों ने कहा ये जितने श्रोता बैठे हैं ज्ञान वैराग्य को लेकिन के हृदय में बैठ जा। एक वैकुंठ था जो अस्थाई, आज ये मोबाइल वैकुंठ बन गए। कथा ने मोबाइल वैकुंठ की स्थापना कर दी, चलता फिरता वैकुंठ। अब बिना भगवान के वैकुंठ कैसा? भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके तो बैठ गई, पर भागवत की महिमा देखो। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, भगवान श्री हरि वैकुंठ गोलोक साकेत आदि को छोड़कर उन्हीं भक्तों के हृदय में बैठ गए। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं अरे भैया दुनिया में कब तक भगवान को बुलाते रहोगे, बस एक काम कर लो भागवत श्रवण कर लो, भागवत बन जाओ तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान जबरदस्ती तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। ये भागवत की फलश्रुति है। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, यसो श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, जिससे सुनने मात्र से भगवान जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं, इससे अलौकिक भगवान के प्राप्ति का कौन साधन होगा। प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भगवत रसिक। और वहीं पर श्रीमद् भागवत का प्रथम कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद। आज कीर्तन के साथ ही कथा का विराम करेंगे कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण योग है। ये मणिकांचन योग है, अर्धकुंभ गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य पावन क्षेत्र, कथा का आनंद और आनंद अखाड़ा। कबीरदास जी की पंक्ति याद आती है कि अब न बनी तो फिर ना ही बनेगी, लख चौरासी जाए पड़ोगे अरे पुनि पुनि जननी नहीं जने, अब न बनी तो फिर नहीं बने। भाव के साथ श्री कृष्ण गो तरुणो
जय हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय